Welcome back. Education और health के बारे में जानने के बाद आज students हम लोग unemployment के बारे में बात करेंगे. Unemployment friends, हम उस situation को कहते हैं जब हम अपने survival के लिए अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हमें काम नहीं मिल पाता. जैसे कि आप imagine कीजिए कि आपकी mother घर के बाहर ना जाकर अपने घर का काम करना पसंद करती हैं, तो इस केस में आप अपनी मदर को अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते क्योंकि वो अपनी इच्छा से घर के बाहर जाकर काम नहीं करती और इसीलिए उनके पास जॉब नहीं है. इस एग्जांपल से दोस्तों हमें पता चलता है कि हम अनएम्प्लॉयड उसी को कह सकते हैं जो अपनी इच्छा से काम करना चाहता हो और फिर भी उसके पास काम ना हो. इसके अलावा दोस्तों आप सबके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम 15 to 59 ईयर्स तक के लोगों को ही वर्कफोर्स पॉपुलेशन में इंक्लूड करते हैं, यानी कि हम अनएम्प्लॉयड उसी को कह सकते हैं जो 15 से 59 ईयर्स के बीच हो, जो अपनी इच्छा से काम करना चाहता हो और फिर भी उसके पास काम ना हो. अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो स्टूडेंट्स हमने जान लिया है. आज के लेक्चर में हम सब अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे. तो आइए दोस्तों पूरी एनर्जी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिन्हें हम रूरल और अर्बन एरियाज के बीच डिवाइड करते हैं. अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो रूरल एरियाज में 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरियाज में दोस्तों एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ही पाई जाती है. आइए सबसे पहले हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं. स्टूडेंट्स, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हम उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिल पाता, पूरे ईयर में उन्हें कुछ मंथ्स के लिए अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है. जैसे कि अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो दोस्तों हर डिफरेंट क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए एक पर्टिकुलर सीजन होता है, इसीलिए एक साल में एक फार्मर के लिए कुछ ऐसे मंथ्स आते हैं जब उस फार्मर के पास कोई काम नहीं होता. इस केस में हम फार्मर्स के सिचुएशन को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. इसके बाद बात आती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. स्टूडेंट्स, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल की मदद लेते हैं. आप सब इमेजिन कीजिए कि राजेश एक फार्मर है जिसके पास एक छोटी सी लैंड है. इस फिगर में दोस्तों आप उस छोटी सी लैंड को देख सकते हैं. इस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए स्टूडेंट्स 4 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि राजेश की फैमिली में टोटल 8 मेंबर्स हैं, इसलिए वो सब मिलकर अपनी लैंड पर काम करते हैं. इस केस में हमें पता चलता है कि जिस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है उस लैंड पर 8 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि इस केस में 4 लोग एक्स्ट्रा हैं जो काम करें या ना करें इससे कल्टीवेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस सिचुएशन में दोस्तों हम इन 4 लोगों की सिचुएशन को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे क्योंकि ये 4 लोग हमें एम्प्लॉयड तो दिख रहे हैं लेकिन रियलिटी में ये अनएम्प्लॉयड है. इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं अर्बन एरियाज की तरफ और बात करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. फ्रेंड्स, अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ही कॉमन है. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब एजुकेटेड होने के बाद भी लोगों के पास काम नहीं होता. जानते हैं दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफी तेजी से बढ़ रही है. इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं जैसे कि राइट स्किल्स, ट्रेनिंग या फिर राइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का ना होना. अब हमने अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जान लिया है. आइए पॉइंट्स की मदद से अब हम सब अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. पॉइंट नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट से दोस्तों मैन पावर रिसोर्स वेस्ट हो जाती है क्योंकि जो लोग एक कंट्री के लिए एसेट बन सकते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक कंट्री के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं.
पॉइंट नंबर टू, फ्रेंड्स कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड रहना पसंद नहीं करता, इसीलिए जब यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तब वो होपलेस और डिप्रेस्ड फील करते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण दोस्तों इकोनॉमिक ओवरलोड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं, जिससे वर्किंग पॉपुलेशन पर बर्डन क्रिएट हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से अनएम्प्लॉयड लोगों का और वर्किंग पॉपुलेशन का लाइफस्टाइल डिग्रेड हो जाता है। पॉइंट नंबर फोर, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण दोस्तों सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचिए जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए मनी कहाँ से अरेंज कर पाएंगे, इसलिए कुछ लोग फोर्सफुली क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमने आज के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आप सभी को ये चैप्टर इजिली याद हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, प्यूस्टैक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर्कल पर क्लिक कीजिए, इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब प्यूस्टैक चैनल की ऐप भी अवेलेबल है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और प्यूस्टैक की ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।